हाय माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निवेदिता, आ गई हूं आप लोगों के संग थोड़ी सी गपशप करने के लिए। पीछे देखो, इसका हर रोज़ का कॉल चलता है, सुबह से 8 बजे यानी सुबह का 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 11 बज जाता है, फिर भी ख़त्म नहीं होता है। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, बट ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इसका बहुत प्रेशर आ चुका है। सो गाइस, हर पर्सन को किसी न किसी टाइम प्रेशर तो लेनी ही पड़ती है। सो अब इसका प्रेशर आ चुका है। आज अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कितना आवाज़ें आ रहे हैं, देखा यहाँ पर मैं बोली थी ना कि एक खाली जगह था, उस वहाँ पर फ्लैट बन रहा है, तो अब तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंडर पे है। सो हर रोज़ ये आवाज़ तो होता ही रहता है। और आज मैं बनाऊँगी दही परवल। दही परवल मेरे घर में मैं भी पसंद करती हूँ, ज़्यादा पसंद करती है ये। तो आज ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं है, एक ही कुकिंग है, वो है ये दही परवल। तो मैं सोच रही थी कि परवल है घर में और अच्छा खासा परवल है, यानी देखने में बहुत अच्छे हैं परवल, तो इसको दही परवल बना दूँ तो इसका भी मन खुश हो जाएगा। भाई हम लोग तो देखते हैं कि घर के जो लीड है, जो हस्बैंड है, वो क्या पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है। आई डोंट नो कि ये लोग भी देखते हैं क्या। नहीं, मैं यूँ ही बोल रही थी। तो आज मैं बनाऊंगी दही परवल। दही परवल बनाने में मुझे क्या क्या लगी है मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो, मैं प्याज को चॉप करके रखी थी पहले से कढ़ाई में, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा गरम मसाला, नहीं गोटा गरम मसाला डाली, इसके ऊपर ये चॉप किया हुआ जो प्याज था इसको डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनना है तब तक जब तक प्याज से ऑयल ना निकल आए। और इसके लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। तब मैं गैस को सिम करके इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पर है परवल, परवल को मैं अच्छे से फ्राई करके रखी हूँ। यहाँ पर है दही, दही के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डाली, जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स्ड करना, ऐसे करके अच्छे से मिक्स करना। मैं दही के ऊपर ही ये सब स्पाइसेस डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई पर डाल दूँगी। ये ऐसे ही बैठे रहते हैं लैपटॉप के पास। यहाँ पर आकुल को देखो, बुक्स कॉपीज सब फेंक के चले गए। अब मैं बहुत ही बिजी हूँ कुकिंग करने में। दोनों ओवन को ही ऑन कर दिया, एक तरफ बिठा दिया चावल को और एक तरफ बना रही हूँ परवल।
यहाँ पर देखो प्याज पूरा भुन चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है। देखो साइड से ऑयल निकल रहा है। अब इसमें जो दही है मसाले के संग उसको यहाँ पर डालना है। यह है दही, इसको थोड़ा सा फिर से ऐसे कर लूँगी क्योंकि ठीक से ये मिक्सचर वो जो है वो ठीक हो जाएगा। स्पाइसेस को अलग से डालती तो स्पाइसेस को अच्छे से भूननी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर मैं दही के संग ही स्पाइसेस को मिक्स कर दिया, इसलिए ज़्यादा नहीं भूननी पड़ेगी। एक तरफ अकुल को पढ़वा रही हूँ, दूसरी तरफ कुकिंग, दोनों काम ही एक साथ मुझे ही करनी पड़ती है। यहाँ पर अकुल कर रहा है साम्स, स्कूल का होमवर्क। आज के लिए बनके रेडी मेरी दही परवल, ये देखो। सो फ्रेंड्स, बनके दिखा दिया, बना के दिखा दिया कैसे बनाती हूँ मैं घर में दही परवल। सो आप लोग ज़रूर बनाना और कैसे लगी दही परवल कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप दोपहर का 3 बज चुके हैं। सो हम लोगों का नहाना, लंच करना सब काम कंप्लीट, पूजा करना। अब ये मथे पे रखी हो, एक्चुअली थोड़ा सा स्पा क्रीम लगाई हेयर पे, तो इसको हॉट टॉवल के यानी हॉट टॉवल से इसको रैप करके रखी हो। 40 to 45 minutes तक इसको रखना है। सो अब इसको ऐसे ही रख दिया, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी इसको वॉश करना है। और यहाँ पर आकुल कर रहा है स्कूल का होमवर्क, स्कूल का छुट्टी तो ख़त्म होने वाले हैं,
मतलब बहुत सारे होमवर्क दिया है, तो अब ये कर रहा है स्कूल का होमवर्क। हेलो, बहुत सारे होमवर्क है और साम्स का जो होमवर्क था वो सुबह को ही कंप्लीट हो चुका है। अब इसको, ये जो बंगाली हैंडराइटिंग है, ये मैं अब भी कंप्लीट कर दूंगी, करवाऊंगी। बंगाली हैंडराइटिंग कर रहा है, इसके बाद करेगा इंग्लिश हैंडराइटिंग, इसके बाद करेगा स्टोरी राइटिंग। यहाँ पर है स्टोरी राइटिंग, देखो ना ऐसे करके है। तुम ही लिखना हो यहाँ पर देखो ऐसे करके फोटोज़ है, पिक्चर, प्रिंटेड पिक्चर्स है। और यहाँ पर जो नीचे लाइंस है, यहाँ पर इसको ये फोटोज़ देखकर एक स्टोरी बनाना है, इसको यहाँ पर लिखना है। ये जैसे बंगाली में है, ये इंग्लिश में भी है, तो वो भी मैं इसको करवा दूँगी। आज या कल या परसों में ही पूरा होमवर्क ख़त्म हो जाएगा। स्कूल तो अभी भी देरी है, थोड़ा टाइम है ओपन होने में। अब इसको वॉश करना है, वॉश कर दो। और आज थर्सडे है, कल थोड़ी देर बाद क्लास करवाने के लिए जानी पड़ेगी तोशा को, सो रेडी होकर निकलनी पड़ेगी। फिर आऊँगी, इसको लेकर जाना है ट्यूशन, फिर बहुत सारे काम है। सो चलो पहले वॉश करके आती हूँ। ये देखो अच्छे से हेयर को वॉश भी कर लिया और ड्रायर से ड्राई भी कर लिया, क्योंकि भीगा हुआ वेटी हेयर रह जाएगा ना, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत ठंड लग जाती है। तो अब तो दोपहर का 3:30 बज चुका है, अब ऐसे भीगा हुआ बाल छोड़ दूंगी कि खुद पे खुद सूख जाएगा, तो मुझे ठंड लग जाएगी। और आफ्टर हाफ एन आवर्स मुझे निकलने भी है क्लास करवाने के लिए, इसीलिए मैं ड्रायर से थोड़ी सी ड्राई कर लिया। देखो सूख चुका है, ऊपर वाला बाल, अंदर वाला सब सूख चुका है, नीचे का थोड़ा भीगा हुआ है, वेटी जैसा है लेकिन ज़्यादा भीगा हुआ नहीं है। सो ये करेगा होमवर्क और मैं जाऊँगी क्लास लेने। और वहाँ पर चल रहा है अंकुर का कॉल। एक्चुअली मैं अब जा रही हूँ क्लास करवाने के लिए और आकुल आए हैं मुझे सी ऑफ करने के लिए। देखो किसी देनी पड़ती है। तो चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। দরজা দিয়ে দাও, মশা ঢুকবে, বাবা বকবে। 48 क्लास करवाना ख़त्म हो गई है, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर बैठ रही हूँ हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसी महीने एक प्रोग्राम है, उसी का एक मीटिंग चल रहा है यहाँ पर। क्लास ख़त्म करके घर आ चुकी हूँ और घर आकर ही देखो अकुल को लेकर जा रही हूँ अकुल का ट्यूशन क्लास। एक्चुअली मेरे घर में ना ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे ही करनी पड़ती है। अंकुर तो ऑफिस के सिवाय ज़्यादा कोई कुछ काम नहीं करता है, तो अब जा रही हूँ उसको देने के लिए। ये देखो अकुल, फिर 9 बजे इसको लेने के लिए जानी पड़ेगी। सोचो
बोले थे गुड इवनिंग, थोड़े बोल गुड इवनिंग, ये भी ठीक से कह नहीं पाते हैं गुड इवनिंग। थैंक यू माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स वाचिंग फॉर माय फुल वीडियो। तब तो कितना बारिश हुआ कि मैं भीगी गई थी, सो फिर इसको ड्राई करके पहन के आई हूँ। और ये देखो अकुल अब ट्यूशन से घर लौट रहे हैं हम दोनों। ये देखो अकुल आज पढ़ाई वढ़ाई ठीक से किया? हाँ। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही पर एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के संग। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।